आज महाछठ पर्व का तीसरा दिन है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के ही दिन छठ पर्व में डूबते सूर्य को अर्घ देने और उनकी पूजा करने की परंपरा है। आज यानी कि 19 नवंबर 2023 के दिन रविवार को ढलते सूर्य देव को व्रती महिलाएं अर्घ देंगी। यह त्यौहार सूर्य उपासना एवं लोक आस्था का महापर्व है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत झारखंड जैसे राज्यों में यह बड़ी आस्था के साथ मनाया जाता है। आज के दिन से सूर्य भगवान को अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। छठ पूजा की एक विशेष बात यह भी है कि इसमें उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही साथ ढलते सूर्य को भी अर्घ देकर उनकी पूजा की जाती है, इसलिए यह पर्व अपने आप में इतना महत्व रखता है। आइए जानते हैं कि छठ पर्व में ढलते सूर्य को क्यों अर्घ दिया जाता है और इसका क्या धार्मिक महत्व है। छठ पूजा का पर्व ऐसे ही अपने आप में इतना लोकप्रिय और आस्था से जुड़ा पर्व नहीं माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूर्य को ही नहीं बल्कि ढलते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। मान्यता है कि सूर्यास्त के समय सूर्यदेव अपनी दूसरी अर्धांगिनी प्रत्युषा के साथ होते हैं, जिनको उस समय अर्घ देकर उनकी पूजा करने से तुरंत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस मनोकामना से छठ का व्रत रखा जाता है वह शीघ्र ही बिना किसी देरी के पूरी होती है। शाम के समय ढलते सूर्य को अर्घ देने से जीवन की सभी समस्याएं भगवान भास्कर की कृपा से दूर हो जाती हैं। आज यानी कि सूर्यास्त का समय 19 नवंबर 2023 के दिन रविवार को शाम 5:25 पर है। आज इस समय हर छठ पर्व के तीसरे दिन सूर्य भगवान को पहला अर्घ दिया जाएगा। इसे अस्तलाचलगामी सूर्य अर्घ कहा जाता है, जिसका अर्थ है ढलते हुए सूर्य को अर्घ देना।